हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक लेक्चर 2 मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट, मैंने इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करा था जिसमें आपको मैंने इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद मैंने लेक्चर 2 स्टार्ट करा है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का आज मैं बेसिक बताऊंगा स्टूडेंट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया क्या है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के द्वारा 2015 में एक एग्रीमेंट साइन करा गया था जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य क्या था स्टूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट का, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ भी हो और प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे, इसको ध्यान में रखने के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था और इसके लिए ये फ्रेमवर्क तैयार करा गया था। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत 6 मेंबर की कमेटी थी, ये MPC कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कमेटी में कितने मेंबर थे स्टूडेंट, 6 मेंबर कमेटी थी और इसमें से 3 मेंबर जो थे RBI की तरफ से रहते थे और 3 मेंबर भारत सरकार की तरफ से रहते थे। 3 मेंबर जो RBI की तरफ से रहते थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट, RBI गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर RBI के और एक ऑफिसर RBI की तरफ से रहते थे। ये हो गए RBI की तरफ से 3 मेंबर्स, और 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसका जो चयन होता था, उसका सिलेक्शन होता था कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता था, जिसमें RBI का गवर्नर भी एक मेंबर होता था। यहाँ तक स्टूडेंट समझ गए कि 6 मेंबर की कमेटी थी, जो MPC कमेटी थी कितने मेंबर की कमेटी थी स्टूडेंट, 6 मेंबर की कमेटी थी, जिसका काम क्या था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। RBI का जो डिप्टी गवर्नर होता था वो MPC का हेड होता है स्टूडेंट। RBI का डिप्टी गवर्नर क्या होता है, RBI का डिप्टी गवर्नर MPC कमेटी का हेड होता है। और 2015 में फर्स्ट टाइम इस पे एग्रीमेंट पे साइन करा गया था और 2016 में फर्स्ट MPC कमेटी गठित हुई, और सितंबर 2016 में स्टूडेंट फर्स्ट टाइम MPC कमेटी गठित हुई। MPC कमेटी में जो मैंने आपको 3 मेंबर बताए थे जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे स्टूडेंट, वो जो भारत सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड किए जाते थे, उसका जो टेन्योर होता था वो 4 साल का रहता था। उसका टेन्योर कितने साल का है, 4 साल का है। और MPC का जो मीटिंग्स होता है स्टूडेंट, एक साल में 4 बार होते हैं। MPC की मीटिंग कितने बार होती है, 4 बार होती है। एक साल में कितने बार होगी, 4 बार होती है। और इसका जो उद्देश्य है, RBI की जो क्या करती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करती है जो 6 से 18 महीने का रहता है, फोरकास्ट करती है, जो 6 से 18 महीने पहले ही बता देती है कि इन्फ्लेशन का क्या रेट रहेगा और सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा। इस कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो 6 से 18 महीने पहले का एक रिपोर्ट बता देती है कि इन्फ्लेशन का क्या रेट रहेगा और उसके सोर्स के बारे में बताती है स्टूडेंट। इसमें 6 मेंबर कमेटी रहता है, और मान लो कि 6 मेंबर कमेटी में 3-3 का टाई हो गया तो फिर क्या होगा, तो RBI का जो गवर्नर रहता है उसके पास एक कास्टिंग वोट रहता है, वो कास्टिंग वोट कर सकता है पर उसके पास वीटो पावर नहीं होता है। ये मैंने स्टूडेंट आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बता दिया है। अब आप देख लो, मैंने लिखा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये मैंने बताया आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस RBI के द्वारा ये साइन किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, कौन से ईयर में, 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, इसका उद्देश्य है कि प्राइस स्टेबिलिटी कैसे आएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य था प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, GDP ग्रोथ जो रहता है स्टूडेंट उसको ध्यान में रखते हुए। 6 मेंबर की कमेटी है और फर्स्ट MPC का जो कंस्टिट्यूट हुआ था सितंबर 2016 में ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी। MPC में कितने मेंबर होते हैं स्टूडेंट, मैंने बता दिया 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर RBI की तरफ से रहते हैं। RBI की तरफ से कौन कौन से रहते हैं, RBI गवर्नर रहता है, डिप्टी गवर्नर रहता है और एक ऑफिसर रहता है RBI की तरफ से। 3 मेंबर जो रहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसका जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन कमेटी का जो हेड रहता है वो कौन रहता है, कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है और RBI गवर्नर जो है इसका एक मेंबर रहता है, सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर कौन रहता है, RBI गवर्नर रहता है। ये कमेटी गठित हो गई, इसका जो हेड रहता है MPC का वो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रहता है। RBI गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहता है पर वो वीटो पावर उसके पास नहीं रहता है, वो एक वोट डाल सकता है जिसका नाम है कास्टिंग वोट। और एक साल में कितनी मीटिंग्स रहती हैं, 4 मीटिंग्स रहती हैं। और RBI पब्लिश क्या करती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश करती है जो 6 से 18 महीने का एक पहले का ही रिपोर्ट रहता है, वो पहले बता देती है 6 से 18 महीने में क्या होने वाला है और उसके सोर्स के बारे में बता देती है, इन्फ्लेशन का क्या क्या सोर्स रहेगा।
ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट टॉपिक था इन आपका मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। थैंक यू।